कंटेंट सेकंड लिखिएगा, ये हमारा सेकंड एलिमेंट है कि आप कितने प्रकार के कंटेंट्स आप बनाना स्टार्ट कर दें। देखिए, अगर आपको अपने कैरियर में सफलता पानी है, चार टाइप के कंटेंट आज से आप लिखना चालू करें। पहला लिखिएगा रिटन कंटेंट। रिटन कंटेंट, रिटन कंटेंट मतलब आप क्या क्या लिखना चालू कर दें। ब्लॉग्स, आप ब्लॉग्स लिखिए। गूगल में ब्लॉगर होता है, आप ब्लॉगर्स में ब्लॉग लिखिएगा, पूरी दुनिया आपके ब्लॉग को पढ़ती है और इसमें तो करोड़ों करोड़ पैसा भी देने लगता है ये ब्लॉग। दूसरा लिखिएगा आर्टिकल्स, आप क्या करें आर्टिकल्स लिखिए। आर्टिकल्स आप बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट्स में आप डाल सकते हैं, आप आर्टिकल्स को कुछ ना करें तो अपने सोशल मीडिया में पब्लिश कर दो। तीसरा लिखियो ई बुक्स, आप ई बुक्स लिखिए ना, आप 8-10 चैप्टर का बुक लिख लीजिए क्योंकि आप सबने पढ़ा तो है, जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है ई बुक्स लिखिए। चौथा ईमेल्स, आप अच्छा ईमेल लिखना सीखिए। अच्छा ईमेल लिखकर आप अगर किसी को सेंड करते हो तो देखिएगा वो रिप्लाई भी आता है। जैसे मान लीजिए किसी ज्योतिष के ईमेल अगर हमें सेंड करना है, जो बंदा बहुत अच्छे से ईमेल को लिख के सेंड कर ज्योतिष को, ज्योतिष उसमें शामिल करता है। कई लोग ईमेल लिखना भी नहीं जानते, अच्छा ईमेल लिखो, लोग पढ़ते हैं, आपकी नौकरी भी आपको मिलेगी। नेक्स्ट, सोशल मीडिया पोस्ट लिखिए। सोशल मीडिया पोस्ट लिखिए, आप सोशल मीडिया में फालतू के बहुत पोस्ट आगे पीछे करते रहो तो अपने इन्फॉर्मेशन 8-10 लाइन का लिखिए, आगे पीछे कीजिए। हो सकता है शुरुआती दिनों में कोई लाइक भी नहीं करेगा, कोई कमेंट नहीं करेगा, आप कहेंगे अरे यार किसे देखा तक नहीं लगता है, सबने देखा। लाइक कमेंट इंसान एक बार में नहीं करता, 7-8 पोस्ट के बाद करता, बोल के यार तुम लिखते बहुत अच्छा वाला, और पता नहीं कहाँ कहाँ से फ़ोन मैसेज आएंगे तुम्हें, भाई मेरे साथ कॉन्टेक्ट करना है, बहुत अच्छा बोल रहे हो। क्योंकि लोग एक बुद्धिमान इंसान को ढूंढ जरूर रहा है, हर इंसान ढूंढता, हम भी ढूंढते कोई बुद्धिमान मिले, लेकिन बुद्धिमान तभी मिलेगा ना जब बुद्धिमान कंटेंट आप लिखोगे। दूसरा क्या करें, सेकेंड आप लिखिएगा ऑडियो। ऑडियो सेकेंड कंटेंट आपसे आप क्या मार्केट में पब्लिश कर दो। ऑडियो, ऑडियो का मतलब आपने आवाज़ ही पब्लिश कर दो। ऑडियो में पहला क्या, पॉडकास्ट। बहुत सारे पॉडकास्ट आजकल चलते हैं, पॉडकास्ट के बारे में आप रिसर्च करिएगा। कई लोग क्या करते हैं, जो लोग अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहते वो सिर्फ वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड करके चला देते हैं। जैसे कई लोग गा के चला देते, शक्ल नहीं दिखाते। कई लोग कविता गा देते पर शक्ल नहीं दिखाते, पर पॉपुलर लोग भी होते क्योंकि नाम दिखता रहता है। दूसरा ऑडियो बुक्स, आप ऑडियो बुक्स बनाइए। पॉडकास्ट पहले बताया था, पॉडकास्ट के बारे में आज और आप वीडियो में देखिएगा। और बहुत सारे यंग एज के पर्सन जो बाहर दुनिया में है, दूसरे शहरों में, वो पॉडकास्ट बनाते हैं। ऑडियो बुक्स बनाइए, बोले कुछ, जैसे रामायण की कुछ पंक्तियाँ आप बोल के भी ऑडियो बुक बना के उसका मीनिंग भी चला सकते हैं। जैसे नवरात्रि चल रही है तो हमने माँ दुर्गा का कोई एक मंत्र को बकायदा रिकॉर्ड किया, उसका मीनिंग बताया, जस्ट उसको भी चला दो अपने नाम के साथ, आपको लोग पहचानेंगे कि इसको मंत्र का ज्ञान है। जो पंडित होते हैं उनको तो ये करना चाहिए क्योंकि पंडितों को इससे काफ़ी नए लोग भी मिलेंगे जो आपको जानेंगे। तीसरा लिखिए वीडियो। थर्ड, वीडियो में क्या क्या करें, वीडियो में वेबिनार्स करें। आप सबको मैं बता दे रहा हूँ, आप वीडियो का वेबिनार कर सकते हैं, गूगल मीट आपको फ्री सुविधा देता है। आप वेबिनार करिए ना, अपने लेवल पे वेबिनार करिए कि सर आई एम आईटी एक्सपर्ट, मैं इस चीज़ पे बात करना चाहता हूँ। 8-10 लोग ही आपको सुन रहे, कोई तो सुन रहा है। दूसरा क्या करें, टॉकिंग हेड्स। टॉकिंग हेड्स समझते हैं, चलते चलते भी आजकल लोग वीडियो बनाते हैं, आजकल देखा इसका बहुत चला है। आज देखिए मैं यहाँ चाट में खाने के लिए खड़ा हूँ, काफ़ी अच्छा चाट बनाता है, मैंने सोचा एक वीडियो बना दिया जाए और आपको भी अच्छा इंटरेस्ट लगेगा। भाई साहब आपका नाम बताइए, कोई कंटेंट उसमें अंदर कोई भी तैयारी नहीं थी, आपका मन बोला, एक टॉकिंग वीडियो आपने बना दिया। सुबह जिम का दौड़ लगाते एक वीडियो बना दिया, फिटनेस बहुत ज़रूरी है, ऐसे टॉकिंग हेड्स डालिए ना, लोग देखते हैं आपको। तीसरा एनिमेशन, अगर आपका बहुत अच्छा वीडियो फैक्ट चलता तो एनिमेशन आप बना लीजिए। एनिमेशन पर कई लोग क्या करते हैं, एनिमेशन के भयंकर अच्छे सॉफ्टवेयर्स हैं, उससे लोग अपने ही वीडियो को घड़ी बैठ एनिमेट करके चला देते हैं। जैसे आप बोल रहे हैं, नीचे आपका नाम दिख रहा है, कॉन्टेंट नंबर दिख रहा है, आपने उसके ऊपर कवर पेज लगा दिया, ऐसे छोटे मोटे एनिमेशंस आप बना सकते हैं, बहुत सारे आजकल सॉफ्टवेयर ऐप्स है। चौथा लिखिएगा इमेज, आप इमेज भी अच्छा बना सकते हैं, कुछ नहीं करो इमेज बना लो। इमेज में सबसे अच्छा कौन सा इमेज होता है आपका, CDR इमेजेस। आप कोरल ड्रॉ सीख ले थोड़ा बहुत, CDR इमेज बना के चलाओ, इन्फॉर्मेशन है कोरल ड्रॉ से चलाओ। दूसरा GIF, आप GIF इमेज बनाना सीखिए। अगर GIF इमेज अगर आपने बनाना सीख लिया, सॉफ्टवेयर बहुत आसानी से इसके होते हैं, तो आप अपनी बातों को और इंटरेक्टिव वे से क्या कर सकते हैं, लोगों को शो कर सकते हैं।
तो आपको भी हमें चार तरीके बताए जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपने कंटेंट को लोगों तक पहुंचा सकते हैं और मार्केट में वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मैं आपको एक लाइन बता दे रहा हूँ, मार्केट वैल्यू ही सैलरी को डिसाइड करता है। आपकी सैलरी इतनी कम क्यों रहती है, क्योंकि आपकी मार्केट वैल्यू जीरो है। आपके अगर मार्केट वैल्यू हो तो आपको वही कंपनी एक अच्छी सैलरी, एक अच्छा पोजीशन और एक अच्छा नाम आपको दे सकता है। आपको एक बड़ी सी गाड़ी भी कंपनी दे सकती है अगर आप उसे डिजर्व तो करो आप, ठीक है। जो इंडियन क्रिकेटर सब खेलने जाते हैं तो उनके लग्जरी बस में आप देखते हैं कि ट्रैवल कराया जाता है। और आप अगर मान लीजिए जिसकी कोई वैल्यू अभी अगर नहीं है आपकी, और आप अगर मान लीजिए फर्स्ट टाइम अगर जब खेलने के लिए आप जाएंगे, आपको कोई ऑप्शन सुविधा नहीं मिलेगी, जस्ट आपको स्वयं खड़ा करके जाना पड़ेगा। रीज़न क्या है, जीरो वैल्यू के साथ आपने ज़िंदगी चालू किया, कोई नहीं पूछेगा। जिस दिन वैल्यू बनेगी लग्जरी बस भी आएगी, प्लेन आएंगे, प्लेन में सारा अच्छा खाना आएगा, लग्जरी होटल्स आपको मिलेंगे। अरे अपनी वैल्यू बढ़ा रहे सब मिलेंगे, लेकिन वैल्यू कैसे बढ़ाएं, आम आदमी वैल्यू कैसे बढ़ाए, ये चार तरीके। क्योंकि हमारे पास कोई गॉडफादर नहीं है, हमें वैल्यू बढ़ाना है तो इन चार मेथड से वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा, तभी सैलरी हमारी अच्छी हमें ऑफर होगी और इज्जत भी मिलेगी और अच्छी कंपनी जल्दी हमें उठाएगी बिना किसी ज़्यादा सवाल जवाब। तो सेकेंड पॉइंट मैंने यहाँ पे समाप्त किया, ठीक है।